प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा इंदौर में एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। समायुक्त कार्यालय पहुंची बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनसे सरकार उनके कार्यों के अलावा अन्य कार्य भी करवा रही है। वहीं सरकार ने चुनाव के पहले उनका वेतन बढ़ाने का वादा किया था, किंतु समय बीतने के साथ ही सरकार अपना वादा भूल गई है। इसी के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में करीब 21,000 रुपए वेतन की मांग की है। बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार वेतन बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रही है। हालांकि बीती पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में भी इनके वेतन में कुछ वृद्धि की गई थी। सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने के साथ ही इनके कार्यों पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लापरवाही के आरोप भी लगातार लगते आ रहे हैं। चलो सब लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे, सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। अक्टूबर 2019 को वो भी हमको नहीं दिए, यहाँ कार्यकर्ताओं से हर विभाग। अब आपके बीच में ये लोगों का, हमारी किसान सभा पे खाद्य विभाग, आज किसानों की भी हड़ताल है। मैं पहले आपको बताना भूल गया, सुकन्या योजना के आज के दिन सबकी हड़ताल है, तो हमारा यहाँ सभी नेता लोग जो है आए हुए हैं। अब किसान सभा के अध्यक्ष आप लोग किस तरह का ज्ञापन, साथी अरुण चौहान जी से निवेदन करूंगा मैं कि वो यहाँ आए और आप लोगों को संबोधित करें। शासन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कार्यकर्ता बिचारी मतलब जिस पोस्ट पे आज 27 साल से कोई 20 साल से कर रही, साथी अरुण चौहान पोस्ट से काम कर रही। 5,000 के लिए भी हमने संघर्ष किया था, 5,000 बढ़े नहीं तो पहले 5,000 ही मिलते थे, अब 10,000 हो गए। सबसे मेन हमारा जो कुपोषण का काम है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए इसमें कुपोषण का हमारा सबसे मेन काम इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं आपके साथ, अतिरिक्त काम कर रहे हैं जिससे कि खाद्य विभाग, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब साथी अरुण चौहान लेकिन हमारा आपको संबोधित करेंगे, अगर कुपोषण में हम काम कर रहे हैं तो हमें आंगनबाड़ी पे रहना चाहिए।